मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। आज मैं एक पेशेंट की जो कि हमारे पास हासिलपुर से आए हैं उनकी एक चेहरे की पीआरपी मैं करने लगा हूं। पीआरपी मींस लाइसेट थेरेपी। तो आज मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूं, आपको मैं दिखाता हूं कि चेहरे की पीआरपी कैसे होती है। तो आइए चल के देखते हैं करते हैं कैसे होती है। सबसे पहले हमने ये शहजाद साहब हैं, इनका हमने ब्लड लिया था। ब्लड एक सिरिंज में लेके उसको हमने पहले मशीन में से गुजारा, सेंट्रीफ्यूज किया, फिर उसके अंदर मतलब केमिकल्स डाले, फिर उसको एक्टिवेट किया। तो उसके बाद करने के बाद हमारे पास जो लाइसेट है वो देखें इस फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। ये देखें, तो ये इनके ब्लड से ये चीज़ ली गई है। तो इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, जो कि अब हम इनके फेस के ऊपर हम ट्रांसफर करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इनकी स्किन जो पहले रेडनेस थी और स्किन जो खराब हुई हुई थी, झुर्रियाँ थी, वो उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो मेरे आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये होती कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इलाके में ये डरते हैं कि पत्नी डॉक्टर साहब हमें ये लाइसेट थेरेपी या पीआरपी का बता रहे हैं, पत्नी क्या चीज़ ये इंजेक्ट कर रहे हैं, वो तो डर जाते हैं। तो आज आपका ये डर खत्म करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिए कि शहजाद साहब इनकी पहले स्किन बहुत खराब थी काफ़ी हद तक, तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो गए। ये तकरीबन इनकी 6 पीआरपी मैं कर रहा हूँ। तो अब जाके माशाल्लाह इनका चेहरा काफ़ी बेहतर हो गया। ये खुद भी कह रहे हैं कि अब चेहरा काफ़ी बेहतर है। तो मैंने कहा आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम पीआरपी का एक सेशन करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स नो डाउट आपको पहले सेशन से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो कि आपके अपने ब्लड से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उनको अपना काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए ये चीज़ करते हुए आप ये अपने जेहन में मत रखिए कि हमें पहले दिन से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के आदी है कि हम लोग चाहते हैं कि जादुई रिजल्ट्स हों। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये आपको नेचुरल तौर पर अंदर से रिपेयर करती है स्किन को, जिनकी स्किन खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा सब्र रखा करें, क्योंकि इसको स्लो प्रोसेस है, इसको आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करने दें, तब जाके अपना काम करती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होगा। पेनफुल प्रोसीजर ये बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हमने पहले इसको इंजेक्ट करने से पहले नंबिंग क्रीम लगाते हैं चेहरे के ऊपर। वो नंबिंग क्रीम हम तकरीबन कोई 20-25 मिनट के लिए लगा देते हैं, ताकि स्किन जो है वो थोड़ी सी सुन हो जाती है। वो सुन होने से क्या होता है कि जब हम ये बिल्कुल बारीक निडल होती है, ये जब हम इसे इंजेक्ट करते हैं तो वो पेन नहीं होता। लेकिन चूंकि हर किसी का अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है पेन को बर्दाश्त करने का, कुछ खवातीन अभी मैं लगाता भी नहीं हूँ तो वो चौंक जाते हैं, वो दर्द हो रहा है। तो कुछ लोग जैसे करवा रहे होते हैं, सुकून से पड़े होते हैं, कहते हैं हमें कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए होता कुछ नहीं है, लोग सिर्फ हमारे डर जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसीजर है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपनी वेन में, बाजू में इंजेक्शन लगवाते हैं, सेम ऐसे ही एक छोटा सा प्रोसीजर है। पीआरपी या लाइसेट थेरेपी के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना के आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, वो मैं बालों के लिए मैंने की थी। आज मैं आपको दिखाने के लिए जो है ना वो फेस को दिखाना मकसूद था कि चेहरे के ऊपर भी चेहरे की जो फेस लिफ्टिंग है, जो चेहरे को जो बेहतर करना है, वो हम पीआरपी के जरिए भी करते होते हैं। तो आज मैं आपको ये फेस के लिए ये वीडियो बनाई थी। ये शहजाद साहब हमारे दोस्त भी हैं, तो माशाल्लाह इनका जो पेन को बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने इनके नोज़ के ऊपर जब किया है तो नोज़ पे बहुत सारे लोगों की चीखें निकल जाती हैं या दर्द की वजह से करा रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बड़े सुकून से लेटे हुए जैसे इनको पता ही नहीं है। लेकिन बार आप ना डरिएगा कि इसमें पेन इतना नहीं होता। जी जनाब, हमने पीआरपी कर ली है। देखिए कितना स्मूथ प्रोसीजर था, बड़ा छोटा सा एक प्रोसीजर जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो अभी हमने इनकी पीआरपी कर ली है, तो अभी हम इनकी केमिकल पील करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे इनका कलर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये देखें, अब हम शहजाद साहब के चेहरे के ऊपर केमिकल पील कर रहे हैं, और ये केमिकल पील जो है ना बेसिकली स्किन को पील ऑफ करेगा, ऊपर वाली जो डेड लेयर है वो उतार देगा, और एक ब्राइटनिंग हम पील इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे जो कि स्किन को मज़ीद ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। तो ये हम जो पील इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, हमने बाहर से मंगवाए हैं। यहाँ पे जो पील्स हैं ना वो बड़ा चुभन भी करते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, लेकिन ये पील चुभन भी नहीं करते और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये पील्स हैं। ये देखें, ये अब ब्राइटनिंग एसिड है जो कि ब्राइटनिंग पील कहलाता है, तो अभी हम ये अब ब्राइटनिंग पील जो है इनके चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं।